इस्लामाबाद से लाहौर के लिए रख्ते सफ़र बांधने के बाद तकरीबन 140 किलोमीटर का सफ़र तय करके जैसे ही गाड़ी ज़िला झेलम के हदूद में दाखिल हो तो फिज़ा नमकीन सी हो जाती है और इस फिज़ा को नमकीन बनाती है खेपड़ा में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान। ये हम शॉर्ट लाइन के अंदर जा रहे हैं, ये सामने ट्रेन का रास्ता। ये पैदल जाने का, ये अंदर तकरीबन यहाँ की वॉक है 1.25 किलोमीटर अंदर वॉक है और 1.25 किलोमीटर वापस आना। नमक की ये कान इतनी तवील है कि सयाहों को अंदर ले जाने के लिए ट्रेन चलाई जाती है। और ताखीर से बचने के लिए बड़ी तादाद में सैयाह पैदल भी रास्ता तय करते हैं। ये हम कान के अंदर पहुंच चुके हैं, ये विजिटर्स के लिए खुसूसी इदारा है। मस्जिद की तरह बनी हुई है, मीनार पाकिस्तान की तरह बना हुआ है, क्रिस्टल वैली, शीश महल, तालाब और चांदनी चौक, ये तमाम एरियाज यहाँ बने हुए हैं। ये खूबसूरत लाइटिंग है, ये पूरा एक मेन रिसेप्शन टाइप एरिया बनाया हुआ है। यहाँ से ये ट्रेन अब वापस जाएगी। अट्ठारह सौ उनचास में अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने कान से नमक निकालने का काम साइंसी बुनियादों पर शुरू किया। इस वक्त खेपड़ा की कानों में 17 मंजिलों से नमक निकाला जा रहा है। साइंसी उसूलों के मुताबिक कान से 50% नमक निकालकर बाकी 50% बतौर सतून छोड़ दिया जाता है जो कान की मजबूती को कायम रखता है। कान के मुख्तलिफ हिस्सों में पास इमारात भी बनाई गई हैं। ये दूसरी अट्रैक्शन है, हाँ मेरी गोदी में। इसके अंदर क्या बना हुआ, इमरजेंसी डिस्पेंसरी है। ये जो है यहाँ तोप रखी हुई है, ये सारी ब्रिक्स जो हैं ये पूरी की पूरी सॉल्ट से तैयार की गई हैं और ये चागी के पहाड़ का मॉडल है जो नमक से तैयार किया गया है, जहाँ पाकिस्तान ने धमाके करके एटमी ताकत बनने की सलाहियत हासिल की गई थी। ये चागी के पहाड़ का मॉडल है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है चागी पहाड़। खूबसूरत मॉडल बनाया हुआ है, इस पूरा का पूरा मॉडल ये नमक से बनाया गया है। सतलज माइड है, सोडियम क्लोराइड, यानी ये भी क्रिस्टल फॉर्म है ये नमक की। इसमें से ऊपर अगर आप देखें तो कई जगहों से पानी भी रिस रहा है और ये हमारे सामने मीनार पाकिस्तान, ये भी जो है नमक से तैयार किया गया है। ये मीनार पाकिस्तान है जो नमक से तैयार किया गया मीनार पाकिस्तान है। ये मीनार पाकिस्तान का मॉडल है जो खेपड़ा सॉल्ट माइन के अंदर है, ये पूरा का पूरा नमक से
तैयार किया गया है। ये सामने मीनार पाकिस्तान है, खेवड़ा सॉल्ट माइन। सबसे मशहूर नमक की ईंटों से बनाई गई एक मस्जिद है जिसमें बिजली के कुमकुमे भी नस्ब किए गए हैं। ये मस्जिद है, सबसे पहले सॉल्ट माइन में एंट्रेंस के बाद जो सबसे पहली चीज़ पड़ेगी वो ये मॉस्क बनेगी। इसके अंदर लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं। ये मस्जिद बनाई हुई है, इसका किबला रुख है, सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये इसका मीनार बनाया हुआ है, एक मीनार है और वो सामने एक सेकंड मीनार है। अंदर खूबसूरत लाइटिंग की भी है, इसकी कुरान रखने के लिए जगहें भी बनाई हुई हैं, अंदर सफ़े भी बिछी हुई हैं। ये सॉल्ट माइन की मॉस्क है, ये सॉल्ट माइन मॉस्क है। कान में पानी की निकासी के लिए परनालों का भी एक निज़ाम मौजूद है। पहाड़ से रसने वाले पानी और बारिश के पानी के जमा होने से नमकीन पानी के पास तालाब भी हैं जिन पर नमक ही के बने हुए पुल बनाए गए हैं। ये हम तालाब में पहुंच चुके हैं, तालाब है सॉल्ट माइन के अंदर। ये अंदर पानी आपको दिख रहा होगा, इसको दूसरा व्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ से जाने का रास्ता है लेकिन इसको बंद किया हुआ। ये खेवड़ा सॉल्ट माइन में मौजूद तालाब, इसके अंदर पानी है। ये तालाब के वेद है और लैंड है आपके सामने। गाइड मैप है ये गाइड मैप है, ठीक है, कि कहाँ क्या चीज़ मौजूद है। ये इस मैप के थ्रू आपको गाइड की जा रही है कि माइन का माउथ है और ये सारी चीज़ें मौजूद है अंदर। ये केव के अंदर जाने का रास्ता, हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये अंदर तालाब है, ये भी हम चल रहे हैं सीधा सीधा अंदर। मजीद दोनों साइड्स पे इस तरह के तालाब दिए हुए हैं। यहाँ भी एक तालाब है और ये अंदर का व्यू है। और अंदरूनी मुल्क से तकरीबन 2.5 लाख सयाह सालाना बुनियादों पर यहाँ घूमने आते हैं और कुदरत के इस शाहकार को देखकर आंखों को राहत बख्शते हैं।